इस साइड को, इस साइड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फैमिली, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं गुजरावाला में और जैसे आपको पता है ऑपरेट हुआ था असद साहब गुजरावाला में और उन्हीं की खिदमत में जो है काफ़ी सारे दिन लग गया। हमारा आज प्रोग्राम है निकलने का यहाँ से गाँव, और गाँव जाने से पहले मुझे बशौकत ने एक काम दिया था, गाड़ी का टायर जो है वो फ्लैट हो गया हुआ है। जिस दिन भाई शौकत लेके आए थे भाई असद को हॉस्पिटल से वापस घर, उसी दिन से ये फ्लैट पड़ा हुआ है। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसको तैयार करवाने की, तो किसी भी दिन जो है लेके जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल असद को दोबारा चेकअप के लिए, तो उसके लिए गाड़ी जो है वो तैयार रहनी चाहिए थी। खैर मैंने अभी तक तो नहीं करवाया इसको, तो आज मेरा प्रोग्राम है गाँव जाने से पहले ये टायर जो है वो पंचर लगवा देते हैं एक दफ़ा। अब इस टायर को खोलते हैं और लेके चलते हैं इसे पंचर शॉप पर, इसके लिए फिर मुझे मेहनत करना पड़ेगी। अब निकालते हैं गाड़ी में से जैक वैक और इसको जो है वो फिर पंचर वंचर का। और ये बच्चे मेरी हेल्प के लिए हैं। तो पापा ने भी आपको सीधा पशु ले गए रैप करके वाले रैप वाले। गर्मी इतनी ज़्यादा है, टायर खोलते खोलते ये हालत हो गई पसीने से। अब्दुल्ला हद मिट्टी खाता हुआ और अब्दुल्ला भी मेरे हेल्प करने के लिए पहुंच गए। ऐसे खोलते हैं टायर, ठीक है खोलो अब इसको, खोलो इस साइड को, इस साइड को, हाँ ऐसे नीचे वाला खोलो, इसको छोड़ दो। अब्दुल्ला हद का दिल कर रहा मैं खोलूं, पता है नहीं चीज पकड़ने का। मार देते गाड़ी पे। पकड़ाओ अब्दुल्ला हद को, पकड़ाओ वाला वो खोलता है। खोलो इसे, खोलो ऐसे, खोल कैसे खोलते हैं ऐसे, खोल नहीं दिया था ऐसे, ऐसे खोल दूसरे को, खोलो आगे वाले को, खोलो अब टायर को लेके चलते हैं पंचर शॉप पे। आप लेके जाए देना, अब्दुल्ला गिरेगा, मिट्टी लेके छोड़ो। अब टायर को बाइक पे रख के लेके जाना पड़ेगा, निकालते हैं बाइक। टायर शॉप पे आ गया टायर, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारा रश है, यहाँ पे अक्सर ही जो है वो इसी तरह रौनक देखने को मिलती है। अब देखते हैं हमारे टायर की बारी कितनी देर में आती है। दूसरा टायर भी नजर में अब वो तो लगाएंगे टायर के पानी में। कार रिम से अलग कर ली और अब इसको लगेगा पंचर, उसके बाद हमारी छुट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को अपने पाँव पे खड़ा करते करते टाइम हो गया जी 10:30 का। अब चलते हैं घर, इंशाल्लाह देखने का सिचुएशन और फिर तैयारी वैयारी करके निकलते हैं गांव की तरफ।
अब चूंकि गांव जाना है तो गांव जाने के लिए पेट्रोल तो बाइक में खुला चाहिए होगा, तो यहाँ से फिलिंग करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह सफर पे। घर से निकल के सबसे पहले रास्ते में हमारा पहला स्टॉप, जैसे कि आपको पता है, बैशोखी के पास होता है। बैशोखी के पास होकर आप उनसे लेते हैं हम इजाज़त, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इनके पास ही खड़े थे। जाते जाते मैंने सोचा कि आपको बताते चलेंगे कि बैशोखी पास मिल के जा रहे हैं। हाँ, मिल के जा रहे हैं, ये बगैर बताए जा रहा है मुझे। नहीं, मैंने मुझे नहीं बताया, पहले वहाँ पे आपसे बताऊँगा कि शायद देखिए, फिर यहाँ पे दुकान के सामने देखिए तुम्हें सही बात ऐसे ही है। सही बात, आपको पता कि ये बता के जाने वाला कि मैं बिल्कुल बता के जाने वाला था, इस रास्ते से जाते ही क्यों अगर बता के ना जाना। हाँ, ये बात आपको पता, ये रास्ता मुझे कितना ज़्यादा पड़ता था, तकरीबन 5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है इधर से आना। चलो जी, फिर भी मैं तो बंडल आप थैंक्स ही कहूँगा कि आप मिल के जा रहे हैं। फिर ये बता रहे हो कि मैं आपको अल्लाह करने आया था। मैं जा रहा था गांव को, और गांव जाते जाते रास्ते में सियालकोट से थोड़ा सा पीछे गाड़ी एक बच्चे की ये ख़राब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ये हमें देखते भी हैं, मैं रुका था इनके पास कि प्रॉब्लम पूछा जाए क्या वजह। ठीक है, आप गाड़ी स्टार्ट है आपकी? यस। गाड़ी वाड़ी सही करने के बाद मैं जो सियालकोट एंटर हूँ, यहाँ पे मुझे एक लड़के से मिलना था, उसी की चोट पर जाने जाते हैं। बहुत ही प्यार वाले भैया मिले, नाम क्या था आपका? उस्मान। उस्मान भैया, नहीं खानी मतलब जी, सद्दाम भाई थे जिनका हम इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, मैं कुल्फियां मशहूर हैं। अच्छा, मैं फिर पहली बार ये खान लगा जी। अपने गांव के यार दाम में जो स्पेशल हो गया ये खिलाने के लिए, टेस्ट देखते हैं इनका और आपको भी बता देते हैं। मजेदार, बहुत मजेदार। ऊपर से फौरन आने के बाद हम चले गए थे गुजरांवाला, और आज यहाँ आते ही सबसे पहले मेरा प्रोग्राम है, लड़कों से मिलते हैं और उनके साथ कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। जो हमारा खर्चा मच्चा आया ऊबर पे वो देखते हैं कितना बना, और आपको बताते हैं। सारे लड़कों को बुला लिया जहरों के घर, वहीं पर इंशाल्लाह हिसाब किताब होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह पैसों का लेन देन किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहर के घर हम पहुँच गए, हमजा साहब को भी बुला लिया, आओ भी थोड़ा ना हिसाब किताब करिए। सर बंदा सलाम दुआ कर लेना, हिसाब किताब बाद ही कर देना भाई। पहले हिसाब किताब फिर बाकी काम, हिसाब किताब बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूर होना चाहिए। आपका भी कोई बाकी है तो जल्दी जल्दी कर लें, कम से कम मेरे पैसे पूछे देना तो वापस कर दो जल्दी जल्दी। एक आदत तुझी तुझी कही हो, मैंने गाड़ी बांध ली है, गलत गल कही है मेरी। आती अभी हिसाब होगा तो फिर पता चलेगा ना किसने देने हैं और किसने लेने हैं। हम जैब साहब, आपने सारे कैलकुलेट किए थे ना, लिखवाए जरा जल्दी जल्दी। पता क्या बात है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, 3-4 दिन बाद हम लोग रिवील करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिम्मेदारी थी सबसे इम्पोर्टेंट, टूर के बाद हमारी खर्चा डिवाइड करने की जो हिसाब किताब था वो मुकम्मल हो गया, और जिसके देने थे वो दे दिए, जिससे लेने थे वो ले दिए। अब चलते हैं इंशाल्लाह घर को, और देखते हैं अभी दरवाज़ा खुलता है क्या, नहीं क्योंकि टाइम ओवर हो गया, वो 10 का हो गया। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, मान लो घर हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डर रहा था कि भाई मुबारक सो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सारे जागे हो, क्या बात। चलो जी बाइक अंदर करते हैं। हम रात घर आते हैं, हम तो थकावट पे वैसे जी सो गए थे, अब सुबह उठे हैं तो मेरा प्रोग्राम अब ये है कि जल्दी जी वीडियो एडिट करते हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और जो हिसाब किताब हमने किया अपने साइकिल टूर के हवाले से, वो 35 से 40 हज़ार रुपया एस्टिमेटेड जो है वो पर हेड खर्चा आया था हमारे इस सारे टूर का, और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हमारा सबसे कम खर्चा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ेदार था हमारा टूर भी, और आज का व्लॉग भी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने दोस्त हैं आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।